हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू पी टी स्ट्रेस 06। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग एक नया एक्सेस स्टार्ट किए थे, एक्सेस 2.2। एक्सेस 2.2 का हम लोग का क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। इससे पहले वीडियो में आपका नहीं देखा है तो आप देख लीजिए, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूंगा। आज हम लोग इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 के बाद जो सम कुछ क्वेश्चन हैं हम लोग उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की ट्राई करेंगे। ठीक है, आप लोग वीडियो में बने रहिएगा और वीडियो कंप्लीट देखिएगा। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? लिस्ट आउट ऑल प्राइम नंबर्स बिटवीन 20 और 100 एंड हाउ मेनी आर दे। तो मतलब 20 और 100 के बीच में जो बोला गया है कितना प्राइम नंबर्स है वो हम लोग को फाइंड आउट करना पड़ेगा और काउंट करना पड़ेगा कितना नंबर में आ रहा है, मतलब कितना नंबर टोटल हो रहा है। ठीक है, तो क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग प्राइम नंबर्स को लिखेंगे। द प्राइम नंबर्स बिटवीन 20 और 100 आ, उसके बाद देंगे क्या, 21। 20 के बाद 21 3 के टेबल में आता है, 22 इवन नंबर है, जितना भी इवन नंबर है कुछ कोई भी नहीं होगा। आप ऑड नंबर में फाइंड आउट कीजिए, जैसे हो गया 23, स्टार्टिंग 23 होगा, 25 नहीं होगा, 27 भी नहीं होगा, 29 होगा, नेक्स्ट 31, हाँ वो भी एक प्राइम नंबर है, 33 नहीं होगा, 35 नहीं होगा, 37 हाँ होगा, नेक्स्ट 39 नहीं होगा, नेक्स्ट 41 यस दैट्स ऑल्सो है प्राइम नंबर। 41 के बाद क्या होगा, 43 हाँ 43 भी एक प्राइम नंबर है, नेक्स्ट 45 नो, 47 47 2 2 4 3 यस 47 भी एक तरह का प्राइम नंबर ही है। देन 47 के बाद क्या आएगा, 49 के टेबल में आता है, उसके बाद क्या आएगा, 51 टेबल में आता है 17 का, नेक्स्ट 51 के बाद क्या होगा, 53 यस 53 प्राइम नंबर, 55 नहीं होगा, 57 नो, 57 मल्टीपल ऑफ 3, ठीक है, देन 57 के बाद क्या होगा, 57 के बाद हो गया 60, 57 के बाद 59 हाँ 59 एक प्राइम नंबर है, नेक्स्ट 51 के बाद 61 ये 61 इज ऑल्सो अ प्राइम नंबर, देन 61 के बाद 63 नहीं होगा, 65 नहीं होगा, 67 यस एज अ प्राइम नंबर, देन 67 के बाद क्या होगा, 69 नो इज मल्टीपल 3, 69 नहीं होगा, क्या होगा और 71 71 इज अ मल्टीपल ऑफ 6, 71 ये 71 भी प्राइम नंबर होगा। ठीक है, 71 देन 73 भी होगा, 75 नहीं होगा, 75 77 मल्टीपल ऑफ 7 एंड 11 उसका भी होगा, 79 ठीक है 79 भी होगा, एंड देन 79 के बाद क्या होगा, 79 के बाद होता है आपका 81। अगर आपको मल्टीपल फाइंड आउट करना है तो आपको बस ऐसे ही करके फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है ना, 79 के बाद जो होता है 81 नहीं होगा, देन 82 भी नहीं होगा, यस 83 होगा, 83 84 नहीं होगा, नॉट 85 ऑल्सो, 86 इवन नंबर वो तो होगा ही नहीं, यस 87 को 87 इज मल्टीपल 3 नहीं होगा, 88 भी नहीं होगा क्योंकि इवन नंबर हो गया, 89 होगा, देन 91 नहीं होगा, 93 इज अ मल्टीपल 3, 95 ऑल्सो नॉट, 97 भी होगा एंड देन 99 नहीं होगा क्योंकि मल्टीपल 3, 9, 11 बहुत सा होगा और 100। तो ये ही सब इसका क्या हो गया, प्राइम नंबर्स हैं, प्राइम नंबर्स ऑफ बिटवीन 20 और 100। तो अभी काउंट कर लीजिए कितना प्राइम नंबर्स हो रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Total 17 prime numbers between 20 and 100. Okay. 20 and 100 के बीच में टोटल 17 प्राइम नंबर्स हैं।
ओके नेक्स्ट स्टूडेंट्स, जैसे आप लोग देख पा रहे हैं कि 11 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा है, राइट ऑल कॉम्पोजिट नंबर बिटवीन 81 एंड 99। तो 81 एंड 100 के बीच में ही जितने भी कॉम्पोजिट नंबर्स हैं हम लोग को उसको फाइंड करना है। तो कॉम्पोजिट नंबर क्या होता है, अदर देन प्राइम नंबर, जो प्राइम नंबर नहीं होते हैं उनको हम लोग कॉम्पोजिट नंबर बोलते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैंने इस 10 नंबर क्वेश्चन को इसलिए रिलीज नहीं किया क्योंकि 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर इसमें से हम लोग को मिल जाएगा, बहुत कुछ मिल जाएगा, ठीक है ना। तो स्टार्टिंग यहाँ पर करते हैं हम लोग, और जैसे मान लीजिए 81, तो 81 स्टार्टिंग कहाँ पर हो रहा है, 81 83 के बाद यहाँ से हो रहा है, मतलब 81 के बाद 81 के बाद 82 यहाँ पर नहीं है, तो 82 इसका स्टार्टिंग आंसर होगा। जितना भी कॉम्पोजिट 82 83 इसमें हो गया तो उसका 83 नहीं होगा, 84 हो गया, 84 ये कॉम्पोजिट होगा, 85 कॉम्पोजिट, 86 कॉम्पोजिट, 87 कॉम्पोजिट, देन 88 ऑल्सो कॉम्पोजिट। देखिए अभी 89 यहाँ पर है तो मतलब ये प्राइम नंबर है, तो 88 नहीं होगा, देन हो गया 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 and then 97 प्राइम नंबर है तो नहीं बैठाएंगे, 98 लास्ट डिजिट हम लोग 98 बैठाएंगे इसलिए क्योंकि बिटवीन बोला है 99 का, तो हम लोग लास्ट 98 तक ही जाएंगे, ठीक है ना। तो ये दिस आर द कॉम्पोजिट नंबर, इसलिए मैंने इस नंबर को इरेज नहीं किया कि जिसमें से हम लोग को इजीली समझ में आए कि कौन सा कौन प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर छोड़कर बाकी जितना भी नंबर होगा वो कॉम्पोजिट नंबर है, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 12 नंबर में, राइट एनी टू परफेक्ट नंबर्स ग्रेटर देन 28 एंड एक्सप्लेन हाउ दे आर परफेक्ट। तो परफेक्ट नंबर क्या होता है ये मैं थोड़ा आपको एक्सप्लेन कर दूं। परफेक्ट नंबर होता है कि मान लीजिए कोई नंबर है, अगर मैं उसका फैक्टर्स निकाल रहा हूँ तो उस फैक्टर्स जितना भी फैक्टर्स है उसको अगर ऐड करेंगे तो जो नंबर का हम लोग फैक्टर निकाल रहे थे वही आएगा। तो एक्सप्लेन अगर करेंगे तो हम लोग जस्ट एक एग्जाम्पल लेते हैं, सिक्स सिक्स का अगर मैं एलसीएम करता हूँ तो 2 3 सा होता है 6, देन 3 होगा 1 हो गया, ठीक है ना। अभी 1 2 3 एक्सेप्ट वो नंबर को छोड़कर बाकी ये तीन को ऐड करेंगे इसका आंसर भी क्या आएगा, 6 ही आएगा, जो हम लोग जिस नंबर का एलसीएम कर रहे थे। तो इसी को हम लोग बोलते हैं परफेक्ट नंबर। नेक्स्ट अगर हम लोग देखेंगे 28 का अगर एलसीएम करते हैं 2 से तो आया 14, देन आएगा आपका 7, देन 7 से आएगा 1, ठीक है। तो अगर इसका फैक्टर हम लोग बोलते हैं क्या आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 7 आएगा, 14 आएगा, ठीक है, एक्सेप्ट 28 छोड़कर। तो अगर इसको ऐड करेंगे इतना आता है 1 + 2 = 3, 3 + 7 = 10, 10 + 14 = 24, ठीक है, अच्छा 24 = 12, इसका साथ भी 4 भी होता है फैक्टर क्योंकि 4 से मुझे 28 होता है, तो इसका आंसर आएगा आपका 28। तो 28 एंड 28 देखिए जिसका हम लोग फैक्टर निकाल रहे हैं उसी नंबर के एलसीएम अगर हम लोग करेंगे उसका जो फैक्टर आएगा उसको ऐड करेंगे तो वो इसका अगर सेम होता है तो उसको हम लोग परफेक्ट नंबर बोलते हैं। तो ये दोनों परफेक्ट नंबर है लेकिन हम लोग क्वेश्चन पूछा है ग्रेटर देन 28, तो ग्रेटर देन कौन सा नंबर परफेक्ट नंबर होगा। एक बहुत बड़ा नंबर है क्योंकि अगर इस क्वेश्चन को अगर हम लोग करेंगे तो बहुत बड़ा मतलब हम लोग कैलकुलेशन करना पड़ेगा, इसके लिए हम लोग को एक डेढ़ घंटा चलाया जाएगा। तो मैं जस्ट नंबर आपको बोल दे रहा हूँ 496, ओके 81 एंड 8128, ओके 496 8128, ये दो नंबर हैं जो 28 के बाद वो परफेक्ट नंबर्स में आते हैं, ठीक है ना। अगर इसका कैलकुलेशन आपको देखना है तो आप ऐसे एक इसका फैक्टर्स निकालिए एंड देन उसको ऐड कीजिए, देखिए सेम आता है कि नहीं आता है, ठीक है ना। ये बहुत बड़ा हो जाएगा, ये वन लाइनर का आंसर था इसलिए मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। ओके नेक्स्ट स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, राइट एनी थ्री पेयर्स ऑफ ट्विन प्राइम। तो स्टार्टिंग करने से पहले मैं आपको ट्विन प्राइम के बारे में बताता हूँ। ट्विन प्राइम मतलब क्या है, दो प्राइम नंबर्स कंसेक्यूटिव दो प्राइम नंबर जिसका अगर डिफरेंस निकालेंगे तो इसका डिफरेंस कितना आएगा, 2 आएगा। जैसे मान लीजिए 3 एंड 5 ये कंसेक्यूटिव है, 3 के बाद 5 एक प्राइम नंबर होता है, तो 5 से अगर 3 को माइनस करेंगे इसका आंसर आएगा 2, तो ये एक इसका आंसर हो गया, ठीक है ना। तो इसी तरह से हम लोग को ट्विन प्राइम फाइंड करना पड़ेगा, कितना है, थ्री पेयर्स है, क्या क्या हो जाएगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका होगा 3 एंड 5, ये एक आएगा, 5 एंड 7 ये भी होगा, ओके 7 एंड 9 हो गया, क्या 9 प्राइम नंबर है, नहीं है, 11 एंड 13 ये भी होगा, एंड इसका बाद और है 17 एंड 19। तो इसमें से आपको जस्ट 3 लिखना पड़ेगा, ठीक है ना, कोई भी आप चूज करके 3 आंसर लिख दीजिए उसका ही आपको ट्विन प्राइम आंसर होगा।
ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट 14वां क्वेश्चन, राइट एनी फाइव पेयर्स ऑफ कोप्राइम। तो कोप्राइम क्या होता है? नया वर्ड है तो इसके बारे में जान लेते हैं। कोप्राइम मतलब होता है दो नंबर, अगर उन दोनों का कोई कॉमन फैक्टर ना हो एक्सेप्ट वन, एक नंबर को मतलब एक वन छोड़कर उन दोनों में कोई कॉमन फैक्टर ना हो तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे? कोप्राइम। जैसे मान लीजिए टू एंड थ्री, टू एंड थ्री, अगर टू का ये टू क्या है, प्राइम नंबर है, थ्री भी प्राइम नंबर है, तो अगर इसका बोलेंगे वन और टू इसका फैक्टर होता है, थ्री का वन और थ्री फैक्टर इसका होता है, तो दोनों में सिर्फ कॉमन सिर्फ क्या है, वन है और कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तब ये दोनों क्या हो जाएगा, कोप्राइम हो जाए, ठीक है ना। तो क्या होगा इसका आंसर, कोप्राइम फाइव, इसका आंसर होगा टू एंड थ्री हो जाएगा, थ्री एंड फोर भी हो जाएगा, फोर एंड फाइव भी हो जाएगा, फाइव एंड सिक्स भी हो जाएगा, सिक्स एंड सेवन भी हो जाएगा, सेवन एंड एट भी हो जाएगा, ठीक है ना। कितना हो गया? देखिए टू और थ्री के एक ही कॉमन है, थ्री फोर का भी सेम कॉमन एक ही होगा, फोर फाइव का भी एक होगा, फाइव एंड सिक्स का भी कॉमन वन ही होगा, सिक्स एंड सेवन का भी एक कॉमन होगा, सेवन और एट का भी कॉमन एक ही होगा, तो ये सब क्या होगा, कोप्राइम होगा। ध्यान रखिएगा कोप्राइम मतलब यहाँ पर प्राइम नंबर्स के साथ कोई रिलेशन नहीं है, जस्ट यही दिमाग में रखिए, कोप्राइम मतलब दोनों में सिर्फ एक ही फैक्टर होना चाहिए कॉमन, वो है वन, अदरवाइज कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, उसी को हम लोग कोप्राइम कहेंगे, ठीक है ना। प्राइम नंबर वर्ड देखकर कोई मतलब आप दूसरा कुछ मत सोचिए, ओके। अनदर थिंग स्टूडेंट्स, बुक्स में आपको पीछे में बहुत सा आंसर मिलेगा, तो आप देखिए अगर आप बुक का भी क्वेश्चन का आंसर आप लिख रहे हैं तो वो चेक कर लीजिए वो सही है कि नहीं, अगर वो भी आंसर लिख रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर सही है तो आप वो भी नंबर लिख सकते हैं आंसर में, ठीक है ना। आप डिफरेंट कुछ मत सोचिएगा कि बुक का आंसर डिफरेंट है, यहाँ पर सर डिफरेंट करवा रहे हैं, तो आप दोनों ही राइट है, ठीक है ना, आप बुक का भी आंसर लिख सकते हैं और ये आंसर भी लिख सकते हैं, ओके स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, 15 नंबर क्वेश्चन क्या है, आर 9 एंड 91 आर कोप्राइम्स, गिव योर रीजन टू सपोर्ट आंसर्स। क्या करेंगे इसका, फर्स्ट ऑफ ऑल कोप्राइम मतलब हम लोग जानते हैं सिर्फ कॉमन फैक्टर वन होगा और कोई नहीं होगा, तो 9 का क्या क्या फैक्टर होता है देख लेते हैं। तो फैक्टर्स ऑफ 9 इज क्या क्या, 1 3 एंड 9, एंड द फैक्टर्स ऑफ 91 इज क्या होगा, फर्स्ट तो 1 होगा, 3 से नहीं होगा, 7 से हो जाएगा, 7 7 एंड 3 7 से 21, सॉरी 7 से होगा 13 होगा, देन कितना होगा 91 पकड़ लेते हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ अच्छे से फॉलो कीजिए, दोनों में सिर्फ एक ही कॉमन चीज़ आ रहा है वो है आपका 1, यहाँ पर 3 है यहाँ पर 3 नहीं है, 9 है यहाँ पर 9 नहीं है, 7 है यहाँ पर, यहाँ पर 7 नहीं है, 91 यहाँ पर है यहाँ पर नहीं है, तो एक ही कॉमन आ रहा है फैक्टर्स, सो यस दे आर कोप्राइम्स, देयरफॉर यस दे आर कोप्राइम्स बिकॉज दे डू नॉट हैव एनी अदर फैक्टर देन वन, एक छोड़कर इसके पास कोई अलग फैक्टर नहीं है, तो इसलिए ये दोनों क्या होगा, को प्राइम होगा, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप सो दैट आप लोगों को क्वेश्चन को आंसर सॉल्यूशन कैसे निकलना पड़ेगा आपको समझ में आ रहा होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, आप लोग को फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, एंड अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि आपको तो फिर कभी भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो ऐसे बनी रही है हमारे साथ, टिल देन स्टे सेफ स्टे कनेक्टेड, सी यू नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।